नमस्कार, मैं हूं संस्कृत सिंह और आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज। प्रखंड क्षेत्र में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए शुक्रवार को प्रखंड क्षेत्र के सभी विद्यालयों ने छात्र छात्राओं के साथ अपने पोषक क्षेत्र में प्रभात फेरी निकाली और लोगों को शराब सेवन न करने की अपील की। शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को चेरिया बरियारपुर प्रखंड क्षेत्र स्थित परिषद मध्य विद्यालय मंझौल, कन्या मध्य विद्यालय मंझौल, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुर्गी फार्म बटकुरबा, जयमंगला उच्च विद्यालय मंझौल, कन्या मध्य विद्यालय शाहपुर सहित सभी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने अपने पोषक क्षेत्र में प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी निकालकर लोगों को शराब का सेवन ना करने के लिए जागरूक किया और समाज को शराब मुक्त बनाने का संकल्प लिया। कन्या मध्य विद्यालय मंझौल के प्रभात फेरी में पहुंचे लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मंझौल धर्मेंद्र कुमार ने क्षेत्र के लोगों से अपील किया कि शराब बहुत बुरी लत है, इसे बिहार सरकार ने अवैध घोषित किया है, न इसका सेवन करे और न सेवन करने दे। यदि इसकी जानकारी कहीं से मिलती है तो सरकारी तंत्र को इसकी गुप्त सूचना दे। वहीं परिषद मध्य विद्यालय मंझौल के प्राचार्य नरेंद्र सहनी ने कहा कि बिहार सरकार के शराबबंदी के संकल्प को लेकर हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। बच्चे भी अपने घर के आसपास के लोगों को शराब का सेवन ना करने को लेकर जागरूक कर रहे हैं। शराबबंदी के संकल्प को लेकर क्या करना चाहेंगे? राज्य सरकार के निर्देशानुसार माननीय मुख्यमंत्री जी की जो संकल्पना है और बेगूसराय जिलाधिकारी के निर्देशानुसार प्रातःकाल में प्रभात फेरी स्कूल के बच्चों के द्वारा निकाला जाना था और उसमें मद्य निषेध से संबंधित जितने भी सकारात्मक संदेश हो सकते हैं बच्चों के द्वारा समाज को दिया जाना था। सरकार का निर्देश था, स्थानीय जिलाधिकारी को कहीं लेकर प्रभात फेरी में बच्चों के साथ संलग्न है। मुझे इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय के द्वारा निमंत्रण मिला और मैं यहाँ प्रातः बच्चों के साथ मैंने प्रभात फेरी में प्राचार्य महोदय ने भी बड़े ढंग से इस चीज़ को प्रचारित प्रसारित किया। बच्चों का यह संदेश निश्चित तौर पर समाज में जाएगा कि मध्य निषेध आवश्यक है और इसमें हमें बढ़ चढ़कर इसकी रोकथाम करने के लिए प्रयास करें। क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? क्षेत्र के लोगों से यही अपील है कि शराब एक बहुत ही बुरी लत है, यह अवैध है, बिहार सरकार ने इसे अवैध घोषित कर दिया है। न इसका सेवन करें, न किसी को करने दें और इस संदर्भ में अगर कोई जानकारी मिलती है तो सरकारी मशीनरी के पास उसे अवश्य पहुँचाएँ ताकि सरकार उन पर कार्रवाई कर सके। पर 8 बजे से 9 बजे तक हम लोगों का जो निर्धारित समय है, निर्धारित समय अनुसार प्रभात फेरी कराएंगे और हम लोग करवा रहे हैं। इसके बाद चेतना सत्र का प्रारंभ करेंगे। उसी चेतना सत्र में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए शपथ पत्र जो है शिक्षकों एवं छात्रों के द्वारा हम लोग लेंगे और दिलवाएंगे और उसके बाद जो है शिक्षकों के द्वारा एक शपथ प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, जो शपथ प्रमाण पत्र प्रखंड और प्रखंड से फिर जिला स्तर पर भेजा जाएगा। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे शराबबंदी को लेकर? हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि शराबबंदी का जो मुहिम चलाया गया क्या मुख्यमंत्री के द्वारा, हम लोग उसका अक्षरशः अगर पालन करेंगे तो हमारा समाज जो है बिल्कुल नशा मुक्त समाज बनेगा और उससे हमारे समाज में अमन चैन की स्थापना होगी, समाज का विकास होगा। समाज में इस प्रकार की जो शराबबंदी को शराब को लेकर के जो भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, जो असामाजिक तत्व पैदा उत्पन्न होते जा रहे हैं, उस पर अंकुश लगेगा और हमारा समाज जो है अमन चैन का जिंदगी जिएगा। आपका नाम सर? नरेंद्र कुमार शानी, प्रधानाध्यापक परिषद मध्य विद्यालय मंझौल। धन्यवाद। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। 55 इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।